स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर सेकेंड चैप्टर कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुपर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एटसेट्रा। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। जौ, बार्ले, गेहूं, वीट, चावल, राइस एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एक्टिविटी 2.4। टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, डिजोल्व 2 or 3 teaspoons ऑफ शुगर इन इट, एड 1/2 spoon ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन अ वॉर्म प्लेस फॉर 4-5 hours। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह पर ढककर रख दीजिए। अब बिलियन को जो सॉल्यूशन बनाया है उसे आप क्या करो, सूंघ कर देखो। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। This प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है, और चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, हिंदी में बोले तो किण्वन। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस का कब डिस्कवर किया, 1857। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल में क्या यूज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्सेस ऑफ दीज मेडिसिन ऑफ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बींग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं, और इन औषधियों का स्रोत जो है सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है, और इस प्रकार की औषधि को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक, फंगी से अनेक एंटीबायोटिक्स से औषधियाँ का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें फंगी जीवाणु से उत्पादित किया जाता है और किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु
या बैक्टीरिया रोगों से बचाव होते एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, संवर्धन या कल्चर पर। अचानक उन्होंने कल्चर में कि जो तस्तरी या प्लेट में हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे, स्पोर देखे। उन्होंने पाया कि जो फफूंद है जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई।